हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्र एजुकेशन हम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं, पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर नहीं बात करने वाले हैं, आज जो हम बात करेंगे एग्जाम से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम अब बहुत जल्दी आने वाले हैं, ज्यादा गैप नहीं है। 1 तारीख को जो है आपका पहला एग्जाम है, तो ज्यादा गैप नहीं है। तो जब एग्जाम आ जाते हैं तो स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी इंक्वायरीज, टेंशन बहुत ज्यादा होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो आप लोगों ने मेरे से सवाल पूछे हैं कमेंट सेक्शन में, FB के मैसेंजर पर, और आप लोगों ने मंत्र एजुकेशन हब के पेज पे भी बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, तो मेरे पे विश्वास दिखाने के लिए सबसे पहले थैंक यू। और साथ ही साथ आपके सभी सवालों का जवाब देना लिए भी मेरा बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आज आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन पर हर चीज़ का जो है मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था जवाब देना। तो आज ये वीडियो बनाई है ताकि आप सभी के जो क्वेश्चन है मैं एक एक करके दूर कर सकूँ। तो अंत पे बने रहिएगा तो आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बिना वक्त जाया कि हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए, नॉलेज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही अगर आप स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप FB के पेज यानी मंत्र एजुकेशन हब के जो FB का पेज है उस पर भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो वहां भी लाइक जरूर करिएगा। आप सभी ने मेरे से बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन भारी मात्रा में आए थे वो सबसे पहले था ये था कि मैम हमने क्लासेस नहीं ली हैं, हमारे पास नोट्स नहीं हैं, मैं तैयारी कैसे करूँ एग्जाम की, और टाइम बहुत कम रह गया। लास्ट वीक में तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। सबसे पहले तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आप अपना कॉन्फिडेंस अगर लूज कर देंगे तो आपका पेपर में, आंसर शीट में जब आप लिख रहे होंगे उसका पेज जो है सामने झलकेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो अपना ये जो आपने लिए कॉन्फिडेंस आपने लूज कर लिया, आपने पे विश्वास जो खो दिया है उसको अपने ऊपर वापस लेकर आइए। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने अच्छे से आप जो है लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं, और पूरा जो साल है आपने आपने उस चीज़ को पढ़ा है, इंटरनल एग्जाम दिए हैं, तो आपको अगर सही तरीका पता है एग्जाम लिखने का, एग्जाम करने का, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। बट अपने पे जरूर विश्वास रखिए। दूसरी बात, आप तैयारी कैसे करें? अब ज़्यादा टाइम नहीं है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तो फोकस जो है आपका का ये रहना चाहिए, लास्ट के जो 2 डेज हैं आपको फर्स्ट पेपर के लिए, लास्ट के 2 भी क्या, आप एक दिन आप अपना जो है पेपर के लिए रखिए, लेकिन बाकी जो अभी आपके 3 दिन रह गए हैं उन 3 दिनों में आपको क्या करना है। उन 3 दिनों में आपको सबसे पहले आपको अपने सभी जो है पेपर्स हैं उनके, एक सिर्फ फर्स्ट पेपर का छोड़ के, आपके जो बाकी पेपर हैं, आपके बाकी पेपर हैं उनके जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं उनको आपको निकालना है, और उन पेपर्स को जो है उनमें जो इम्पोर्टेंस आपके जो देख रहे हैं, आप रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उनको जरूर आपने सॉल्व करना है। साथ ही साथ अदर चीजें भी देखनी है, ऐसे नहीं है अदर चीजें नहीं देखनी, बार बार कहती हूँ अदर चीजें भी देखनी है, लेकिन वो जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। तीसरी चीज जो है आपको रोज का 2 पेपर जो है पर्टिकुलर 3 घंटे आप अपना लगा के चलिए, 3 घंटे का पेपर आपका होता है, लेकिन 3 घंटे की जगह आप 2.5 घंटे में रोज एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यानी आपको पहले जो है एक क्वेश्चन पेपर आधा जो टाइम है आप ये समझ लीजिए मॉर्निंग टाइम एक पेपर को दीजिए, आफ्टरनून के बाद जो टाइमिंग है एक पेपर को, आप पूरा टाइम उसको पढ़िए, उसको पहले पेपर को पूरी तैयारी करिए, जब आपका आफ्टरनून का टाइम हो जाता है तब आपका 2.5 घंटे का एक पेपर सॉल्व करिए। और ये पेपर सॉल्व करते वक्त आप उस चीज को ध्यान रखिए कि मैं पेपर पूरा जो है पर्टिकुलर दे रहा हूँ, ये नहीं इसके घर पे बैठे हैं, तो उसको फील करिए। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा,
आपको सॉल्व करने की पे एबिलिटी आपके अंदर बढ़ेगी और आपको खुद को लगेगा कि मैं लिख सकता हूँ। ये काम आप लोग जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा नीड है। तो मेरे लिए सबसे पहले तो यही जरूरी है, प्रीवियस पेपर उठाइए और उनको सॉल्व करिए और उनके इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उनको अच्छे से जो है लर्न करके उनके जो पॉइंट्स हैं उनको करके जाइएगा। 1 तारीख को आपका पहला पेपर है और 1 तारीख से पहले आप उसी पेपर की तैयारी करने वाले हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। लेकिन उसके बाद भी एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जब भी आप एक पेपर दे रहे हैं उससे पहले उसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज 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 उससे पहले अपनी पूरी नींद लीजिएगा, डाइट अपनी पूरी रखिएगा। ये नहीं कि टेंशन के मारे खाना पीना छोड़ दिया है, रात के 4-3 बजे तक बैठ के पढ़ रहे हैं। हो सकता है 3 बजे तक बैठने तक आपका पहला पेपर अच्छा चला जाए क्योंकि आप 3 बजे तक बैठ के पढ़े हैं, आपको वही चीजें जो हैं सामने आपको देखने को। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 6 तारीख तक आपके रेगुलर में पेपर हैं, कोई गैप नहीं है। आपको वहां जाना है, अपने सेंटर पे जाना है, वहां 3 घंटे एग्जाम देना है, 3 घंटे के बाद वापस घर आना है, घर आके उसके बाद नेक्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी है। तो ये वो जो पूरा स्ट्रेस है बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपकी बॉडी धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ कम कर देगी। इसलिए आप रात की नींद बिल्कुल लीजिएगा, दिन में आप चाहे जितना मर्जी पढ़िए लेकिन रात की नींद पूरी लीजिए, डाइट जो है अपनी पूरी रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखने के लिए। नींद जरूर पूरी लीजिएगा और कॉन्फिडेंस को कभी लूज नहीं करिएगा। मैं जानती हूँ आप सभी बच्चे इतने कैपेबल हैं कि आप ये एग्जाम बहुत इजी क्लियर कर लेंगे। आप सभी ने 12th के एग्जाम देकर पास आए हैं, कोई ग्रेजुएशन पास करके भी डिप्लोमा कर रहा है। जब आपने 12th कर ली तो ये भी कोई ज्यादा टिपिकल एग्जाम नहीं है। तो प्लीज घबराइए नहीं, अपनी नींद पूरी लीजिएगा, अपनी डाइट पूरी फॉलो रखिएगा। आप सभी जानते हैं कि आपके सीनियर ने अभी दिसंबर में एग्जाम दिए थे 2nd ईयर के, तो उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो मैं चाहती हूँ कि उसको आपके तक शेयर करूँ ताकि आप वो गलती ना दोहराएं। कि पहले आप जब जानते हैं कि जब ये पेपर हुए थे तो किसान आंदोलन चल रहा था, तो कुछ बच्चों को किसान आंदोलन की वजह से लेट होना पड़ा, जिसकी वजह से या तो सेंटर में एंट्री नहीं दी गई कुछ बच्चों को, या तो फिर उन बच्चों को लेट एंट्री दी गई, बहुत ज्यादा जो है चिक चिक बागजी करने के बाद एंट्री दी गई, जिसकी वजह से है उनका एग्जाम डिले हुआ और उनसे लिया टाइम पे गया था। तो ये गलती आप मत दोहराइएगा। आप लोगों का एग्जाम 2 बजे शुरू है, आप लोगों को वहां पे 2 बजे, आप मत सोच के चलिए कि आपका 2 बजे एग्जाम शुरू है, आपका एग्जाम 1:30 बजे शुरू है ये सोच के चलिए, जिससे आप 1:30 से भी 10 मिनट पहले ही करिए, क्योंकि रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं नहीं उम्मीद करती हूँ, होप करती हूँ किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी सर्कमस्टेंसेस आप पता है किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, और आप जो मेट्रो पे आ रहे हैं मेट्रो भी जो है खराब हो सकती है। आप सभी जानते हैं मैं भी कितनी बार ये चीज फंसी हूँ, बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन मैं फंसी हूँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप प्लीज सभी जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, चाहे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं चाहे मेरी अपनी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सभी को कहूंगी टाइम से पहले पहुंचिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग जो है टाइम की वजह से आप लोगों को एंट्री ना दी जाए या आपको जो है सफर करना पड़े। दूसरी चीज, आप सभी बच्चे जो है अपना आई कार्ड जरूर लेकर जाएंगे इंस्टीट्यूशन का, एडमिट कार्ड आप जरूर लेकर जाएंगे। तीसरी चीज, आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो है, आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, कुछ भी है, आप वो साथ में लेकर जाएंगे। साथ ही साथ आप एक अपनी फोटो जो साइज फोटो होती है वो जरूर रखेंगे, पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है वो जरूर रखेंगे। हालांकि इतनी जरूरत उसकी नहीं है लेकिन आपके पास फिर भी वो पड़ी हुई होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास बॉल पेन होना चाहिए, बॉल पेन का ध्यान जरूर रखिएगा आपका, क्योंकि आपके जो आपकी फर्स्ट जो शीट है आपकी जो फिल होगी वो बॉल पेन से फिल होती है, तो उसके लिए जरूर आपको बॉल पेन लेकर आना होगा। तो
तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप ड्रेसेस आपके इंस्टीट्यूशन में है तो आपको ड्रेस भी जरूर पहन के जानी है, तो ये चीजें जरूर याद रखिएगा। और ये याद रखने का मतलब फर्स्ट पेपर के अंदर नहीं, आपको हर पेपर में याद रखना है। रात को आपको जो सोने से पहले अपनी सारी चीजें जो है मैनेज करके सोनी चाहिए। सुबह हर बार दबड़ी में सब आप निकल जाते हैं, हालांकि आप लोगों के पेपर दोपहर को है, 2 बजे है तो इजी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके लिए आप प्रिपरेशन पहले सारी अपनी करके रखिएगा। चाहे आप मॉर्निंग में उठ के आराम से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आप ये सारी प्रिपरेशन करेंगे। हवा दाबिड़ में ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे अपना एडमिट कार्ड भूल गए, हाँ जी अब आई कार्ड भूल गए हैं, अब हम अपनी आइडेंटिटी कार्ड नहीं लेकर कोई आए हैं, तो ये सब चीजें नहीं होती, होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप भी सफर करते हैं और आपके जो टीचर्स हैं वो भी सफर करते हैं। तो दूसरी चीज, आप ये इसके बगैर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तीसरी चीज, सभी बच्चों को, क्योंकि नई पहली बार था, आंसर शीट फिल करने में बहुत दिक्कत आई थी, उसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम हुआ था, इसीलिए निपमेड ने जो है एक आंसर शीट की जो फर्स्ट पेज की कॉपी है निपमेड की साइट पे डाल दी है। आप खुद भी वहां जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसे किस तरीके से फिल करना है ताकि आपका वो टाइम वहां पे वेस्ट ना हो, तो उसके लिए मैं आपके सामने लेकर आई हूं। तो चलिए वो हम देखते हैं तो किस तरीके से उसको फिल करना है। इस तरीके की आपकी आंसर शीट की फर्स्ट कॉपी होती है, और इस चीज का एक चीज याद रख लीजिए कि आपको बॉल पेन का यूज करना है। आपका फर्स्ट, आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन जो मार्क हो रहा है वो कोर्स कोड है, यहाँ पे आगे आपको कोर्स कोड फिल करना है। ये कोर्स कोड आपको मिलेगा कहाँ से वो बताती हूँ। वैसे तो सभी को अपने कोर्स कोड याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप जो देख सकते हैं उसे पेपर के अंदर आपके यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स कोड दे रखा है, आप उसमें से देखकर ही फिल करिएगा। गलत कोई भी कोर्स कोड फिल नहीं करेगा, अपने आप से मत करिएगा ताकि ऐसे ना हो कि गलती हो जाए, क्योंकि आप उस पे फ्रूट लगा के या किसी और तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहली बार में ही ध्यान से और धीरे धीरे फिल करिएगा। नेक्स्ट जो आपका है सब्जेक्ट कोड आपको भरना है, यहाँ पर भी आपका लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आपको सर्कल फिल करने हैं। सर्कल फिल करते हुए आप अच्छे से फिल करिएगा, उसको ध्यान रखिएगा। और ये सब्जेक्ट कोड आपको कहाँ से मिलेगा? आपके एडमिट कार्ड से आपको ये सब्जेक्ट कोड मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे आपका पेपर है, अगर 7 तारीख को पेपर है और उसका जो सब्जेक्ट कोड है उसके आगे दे रखा है, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप गलती ना करें कि आपका सब्जेक्ट कोड जो है वो आपका किसी और सब्जेक्ट का ऊपर नीचे लिख दे। जिस दिन का आपका पेपर है उसी दिन का सब्जेक्ट कोड जो है आप लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे, उसके सामने जो है दे रखा है और ध्यान से करेंगे। अगर आपको इसमें भी दिक्कत होती है तो पेपर में भी आपका जहाँ पे आपका कोर्स कोर्स था उसके अपोजिट आपका यानी राइट साइड पे था उसके लेफ्ट साइड पे जो है आपका कोर्स कोड दे रखा, सॉरी सब्जेक्ट कोड दे रखा होता है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रिटर्न पेज, ये आपको सबसे लास्ट में फिल करना है। जब आप आंसर शीट भर लेंगे उसमें, जब भी आप आंसर शीट जितनी भर ली है उसमें आपको 2 पेज माइनस करने हैं और फिर आपने लिखना है। 2 पेज इसलिए माइनस करने क्योंकि इसमें रिटर्न पेजेस लिखा हुआ है कि कितने आपने लिखे हैं, उसमें से आपके टोटल 30 पेज होते हैं जिसमें 2 शीट आपकी ये होती हैं। आपका जो आप अभी भरने की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पेज आपका यही होता है, इसके पीछे भी आप नहीं लिख सकते, उससे नेक्स्ट पेज यानी आप थर्ड पेज से लिखना शुरू करते हैं। इसलिए हम जितने भी आपने लिखे हैं उसमें से आपके 2 पेज आप माइनस करेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे, तो इसलिए ही आपको लास्ट में लिखना है। उसके बाद आता है आपका स्टडी सेंटर कोड। ये स्टडी सेंटर कोड आपको कहाँ से मिलेगा? स्टडी सेंटर कोड जो है आपका जहां आपके इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा है उसके ही पास सामने लिखा हुआ होगा।
यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं UP02 लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपके भी इंस्टीट्यूशन का कोई कोड होगा, तो वही आपके इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड के अंदर लिखा हुआ है जस्ट उसी के आगे या पीछे जो है आपका आएगा कोड लिखा हुआ। नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम सेंटर कोड। एग्जाम सेंटर कोड का मतलब है जहां आप एग्जाम देने जा रहे हैं जिस सेंटर पे उसका कोड क्या है। आप देख सकते हैं आपके एग्जाम के जो सेंटर कोड है आपका, जैसे एग्जाम का सेंटर का नाम दे रखा है, जैसे इसमें निपट दे रखा है, रीजनल सेंटर दे रखा है, तो वही या उसके आगे जो है कोड दे रखा है DUP01। तो इसी तरीके से जहां आपके एग्जाम सेंटर का नाम दे रखा होगा तो उसी के ही साथ ही एग्जाम सेंटर कोड भी दे रखा होगा, तो वो भी आपको फिल करना है। नेक्स्ट आपका स्टडी सेंटर, जब कोड आपने एग्जाम सेंटर कोड भर लिया है देन उसके बाद आपसे जोन कोड पूछा जाता है यहाँ पर, तो जोन कोड आपका कहाँ लिखा हुआ है वो देखते हैं। जोन कोड जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो पिक्चर है कैंडिडेट्स की उसके नीचे जो है लिखा हुआ था, तो वहां से देखकर आपको जोन कोड लिखना है। आप चीजें देख रहे हैं कि सारी की सारी आपके पास अवेलेबल है, आपने कहीं से भी इधर उधर से देखकर नहीं लिखना है, आपके पास जो मटेरियल है आप उसी में से देखकर लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका एनरोलमेंट नंबर है उसका देखकर लिखना है, वो भी आपका एडमिट कार्ड के अंदर अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, तो वहीं से देखकर ही करना है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपने आप से याद करना है, तो इसलिए ध्यान से बस आपको देखना है और ध्यान से उधर उतारना है, उसमें गलती मत करिएगा क्योंकि फ्लूट लगाने के लिए इजाजत नहीं है इसके अंदर। सेम जैसे भी आपने ऊपर भरा उसी को देखते हुए आपने सारा का सारा यहाँ पर दोबारा से अगेन पूरा फिल करना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आंसर शीट आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको फिल करनी है, लेकिन आप फिर भी एक बार प्रिंट निकाल के भर के देख सकते हैं ताकि आगे जाके आपको वहाँ जाके ज़्यादा दिक्कत ना आए किस तरीके से आपको फिल करना है। और नेक्स्ट जो मेरे से बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा वो ये था कि मैम किस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं, कितने वर्ड्स लिखने चाहिए, कितना भरना चाहिए। सबसे पहले तो इस चीज़ का मैं जवाब दे दूं, आपके पास कोई एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं है, आपके पास एक ही आंसर शीट होती है जिसके अंदर 30 जो पेज होते हैं जिसमें से दो पेज तो आपके जो है पहले ही फिल होते हैं, यानी जैसे अभी आपने आंसर शीट जो भरी हुई है वो उसके अंदर होते हैं, यानी आपके पास टोटल पेज हुए 28। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप सारे काम करेंगे ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन शीट की वजह से ना छूटे। दूसरी चीज, आपको सबसे पहले एक नंबर के एब्रिवेशन या फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, एब्रिवेशन जो है या फिलिंग द ब्लैंक से एक एक लाइन में ही खत्म हो जाते हैं, तो उससे ज्यादा खुला खुला मत लिखिएगा ताकि आप 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर के लिए बचा सको, आधे पेज के अंदर जो है ये आपके खत्म हो जाने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा 2 नंबर का, 2 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी आप हाफ ऑफ पेज जो है फिल कर सकते हैं 2 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए अगर आप फिल करेंगे आप, तो आपके आपका 2.5 पेज आपका जो है लग जाएगा, आधा पेज 1 नंबर वाला लग जाएगा और 2 पेज और एक्स्ट्रा आपके लग जाएंगे, यानी 3 शीटें जो हैं आपकी टोटल आपकी चली जाती हैं किसके अंदर, आपके 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर। आपके पास बचती कितनी है, आपके पास 25 शीटें जो हैं अभी बचती हैं। अब 25 शीटों के अंदर आपने 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आप जो क्वेश्चंस हैं आप डिवाइड कर सकते हो। हाँ, एक चीज याद रखिएगा
जो स्ट्रेंथ है अपनी इतनी रखिएगा कि 5 नंबर लगे वो 5 नंबर का है, उसके बाद 10 नंबर का जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो लगे वो 10 नंबर का है। ऐसे नहीं आपको 5 नंबर के अंदर इतना आता है पता लगे 4 पेज भर दिया, और 10 नंबर में अगर आपको कम आता है तो वो 2 नंबर 2 या 3 पेज में या उसी के बराबर भर दिए, तो आपको मार्क्स जो है 10 नंबर में फिर उतने नहीं मिलते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ जो है 5 नंबर की कम ही रखनी है, कम रखनी है अपने अकॉर्डिंग टू 10 नंबर। आपके जो 5 नंबर का होता है आपके 250 वर्ड्स का नियर होता है, 250 के नियर लगा के अबव ही होता है, 250 से 300 के नियर। यानी आपका जो 5 नंबर के हैं आपके 2 शीटों के अंदर फिल हो जाने चाहिए। आपके 2 शीटों के अंदर अगर वो फिल हो जाते हैं तो आपका जो है 10 शीटें आपकी फिल हो जाती हैं 5 नंबर के लिए। तो यानी हमारी टोटल 13 शीट जो है अभी तक फिल हो गई हैं। अगर आपके 250-250 पेज में करते तो बहुत इजीली जो है फिल हो जाती है। तो अभी भी हमारे पास 10 नंबर की पेज के लिए हमारे पास कितनी शीटें बच गई हैं, हमारे पास 15 शीटें अभी भी 10 नंबर के लिए बची हैं। 10 नंबर के लिए अगर हम लोग 4-4 शीटें भरती है, क्योंकि उसके लिए हमने 2 की हैं इसके लिए वो, और वर्ड्स भी हमारे 500 के नियर जो है आ जाते हैं। 500 के नियर अगर आप 4-4 पेज भरते हैं, आपके 4 के 4.5 भी आपका हो सकता है, तो आपका जो पूरा का पूरा 30 नंबर में आपके 30 शीट के अंदर पूरा का पूरा आपका पेपर हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये तो हुआ शीट मैनेजमेंट। दूसरा आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम भी आपको ध्यान में रख के चलना है। आपने अपने 1 नंबर और 2 नंबर को तो 15 से 20 मिनट से ज्यादा देने ही नहीं है। हद मान लीजिए आपका आधे घंटे में, उसके बाद आपका जो 2 घंटे का टाइम है उसको मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम की भी कमी है। कुछ बच्चे जो हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसके अंदर जो है 45 मार्क्स का करना होता है, किसी को 60 मार्क्स का भी करना होता है, तो उस चीज को ध्यान में रख के चलिएगा। जो 3 घंटे का टाइम है उनके लिए भी उतना है, उतना उनके लिए भी उतना है। तो आप लोगों को अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करके पूरे चलना है। तो ये जो अभी मैंने अकॉर्डिंग बताया था, अभी जो बताया था एसडी के अकॉर्डिंग बताया था, तो जिस तरीके से अभी मैंने एसडी का मैनेज किया, आप खुद भी अपना माइंड में जो है पूरा पिक कर लीजिए किस तरीके से करना है। बाकी आप लोगों का जो है फिर क्वेश्चन नंबर के जो है क्वांटिटी कम हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना शीट मैनेजमेंट करें। और टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेज करने का। 15 मिनट जो है एक्स्ट्रा जो है आप लगा के चलिएगा, एक्स्ट्रा मतलब कम करके चलिएगा, ताकि उस 15 मिनट के अंदर आप देख सके कि आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा, कुछ गलती तो नहीं हुई, उसके लिए करके जा रही है। ये मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से आप पेपर देते आ रहे हैं, हर कोई टीचर हर कोई पेरेंट जो है इसी चीज के लिए कहता है। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। 1 नंबर के क्वेश्चन को आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे पूछा गया आप वैसे करें। 2 नंबर के क्वेश्चन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो आपको जवाब देना है, और दूसरा 1 नंबर जो है आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं उसके ऊपर है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर डिफाइन दी गई है, आपको डिफाइन करने के लिए बोलिए, डिफाइन आपने किसने दी है वो और डिफाइन, ये अगर आप कर देते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का। और दूसरा 1 नंबर आप कैसे लेंगे, अगर आप डिफाइन को एक वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करें या उसका एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करें। एग्जाम्पल सबसे मस्ट होता है, वो जरूर वो एक्सप्लेन करें तो बहुत अच्छा है। अगर आपको एग्जांपल उसका नहीं आता है या उसका एग्जांपल कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइक एग्जांपल नहीं हो सकते हैं, लाइक मेंटल रिटार्डेशन की अगर बात करूं तो मेंटल रिटार्डेशन का क्या एग्जांपल होगा, उसकी डिफाइन आ जाती है। तो कुछ चीजों के एग्जांपल नहीं होते तो उसे अपने वर्ड में कन्वर्ट करिए, या उसका आप छोटा सा जो है क्लासिफिकेशन बता सकते हैं। अगर मेंटल रिटार्डेशन की डेफिनेशन आई है या जो है HI की डेफिनेशन आई है, तो उसका छोटा सा आप ग्राफ बना के क्लासिफिकेशन में सिर्फ आप नाम नाम भी डाल देंगे तो हो जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप वो करें तो ग्राफ जरूर बनाएं। क्लासिफिकेशन में जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे नाम लिखकर ग्राफ बना दीजिए, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, और साथ ही ग्राफ में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो 1 नंबर जो पूछा गया, 2 नंबर आपके प्रेजेंटेशन पे कि आप उसके साथ और क्या चीजें बताते हैं। नेक्स्ट आता है 5 नंबर में।
पांच नंबर और 10 नंबर दोनों में साथ लेकर चल रही हूँ। 5 नंबर या 10 नंबर में दोनों में जो चीज पूछी गई है उसके बारे में पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, देन उसके बाद जो आपसे पूछा गया है उसे अच्छे से डिटेल में बताएंगे, देन उसका हल्का सा आप बेनिफिट बता सकते हैं, देन कंक्लूजन। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट है चाहे 5 नंबर का चाहे 10 नंबर का वो रखेंगे। दूसरी चीज, 5 और 10 नंबर में आप जो है कोई भी चीज बता रहे हैं पॉइंटों में बताएंगे, पैराग्राफ में आपको जो है नंबर्स बहुत कम मिलते हैं, पॉइंटों में बताएंगे, हेडिंग्स में बताएंगे। साथ ही साथ आप किसी चीज के टाइप्स बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, तो उसका ग्राफ जरूर बनाएंगे। ग्राफ करके आप प्रेजेंट करेंगे तो चीज अट्रैक्टिव लगती है, अच्छी लगती है। दूसरी चीज, 2 पेन्स का यूज करें तो प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी होती है। 2 पेन में आप रेड कलर ग्रीन कलर का यूज नहीं कर सकते हैं, आप ब्लैक कलर का गोल्डन कलर का यूज करें, लेकिन आप रेड और ग्रीन कलर का यूज नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं होता ये 2 कलर्स का यूज करना। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये सब देख सकते हैं। आपको अब तक समझ में आ गया होगा, आपको वर्ड्स भी ले जो है मैनेज करके चलने हैं, आपको टाइम भी मैनेज करके चलना है, और साथ ही साथ आपको शीट भी मैनेज करके चलनी है, और आपको प्रेजेंटेशन भी बेटर बनानी है। जब तक प्रेजेंटेशन नहीं होगी और अपने पॉइंटों को सामने अगर एग्जामिनर तक आप पूरी तरीके से जो आप बोलना चाहते हैं नहीं पहुंचा पाए, तो आपका जो है आंसर लिखने का उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे जितने अच्छे नंबर मिलने चाहिए। तो हर चीज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। एक स्टूडेंट का जो है सवाल ये भी था कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, तो एक चीज आप सभी को बता दूं, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज पिक की है आंसर लिखने के लिए, तो वो हिंदी उनको अलाउड नहीं है लिखना, उनको अपनी लैंग्वेज प्रॉपर इंग्लिश ही रखनी पड़ेगी। लेकिन जो बच्चों ने हिंदी या अदर लैंग्वेज चूज किया है तो उसको उनको लोगों के लिए एक बेनिफिट है कि वो अपना जो है डेफिनेशन इंग्लिश में लिख सकते हैं, हेडिंग्स इंग्लिश में लिख सकते हैं, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं। लेकिन जो है पूरा का पूरा आप फिर इंग्लिश में लिखिए पूरा पेपर, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपने हिंदी चूज की है तो आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी, लेकिन आप इंग्लिश जो आप लेटर्स यूज कर सकते हो, वर्ड्स यूज कर सकते हो, डेफिनेशन जो है इंग्लिश में लिख सकते हो, तो इतनी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस इंग्लिश में आ रहा है तो आप उसे भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आप कोई क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस दौरान आपकी इंग्लिश बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, ऐसे ना आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो वो चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज आपकी एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश अगर आप लिख रहे हैं पूरा सा जो आंसर पूरा अटेम्प्ट इंग्लिश में कर रहे हैं, तो वो भी आपका जो है पूरा इंग्लिश होना चाहिए, उसमें आप हिंदी नहीं घुसा सकते, उसमें हिंदी आप नहीं यूज कर सकते हैं। तो उस चीज का याद रखिए, जो चीज इंग्लिश वालों के लिए है फिर आपका भी वही चीज आ जाएगी, जब आप पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पूरा इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कुछ वर्ड भूल गए तो उसे आप हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पूरा का पूरा जो पेपर है ध्यान से करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा सबसे पहले कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है वो करिएगा, और साथ ही साथ 5 नंबर और 10 नंबर के अंदर जब आप क्वेश्चंस करते हैं आपको चॉइस मिलती है तो उसमें वो क्वेश्चंस पिक करिएगा जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 नंबर के अंदर आपको आते तो दोनों या तीनों होंगे, लेकिन वो लिखिएगा, वो पिक करिएगा जिसमें आप स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को पिक करिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छे से लिखना है, आना भी चाहिए और आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए, तो इस चीज का याद रखिएगा। आपने अगर सही क्वेश्चन पिक किया है, आपको सही आता है, आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, और जो उसने मांगा है क्वेश्चन के अंदर वो आपने उस एग्जामिनर को दिया है, उस तक पहुंचाया है, तो मैं 100% तरीके से कहती हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। पेपर के अंदर सिर्फ स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपका कंटेंट और स्ट्रेंथ
दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती है, दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो इसलिए स्ट्रेंथ, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, इन सबको साथ में रख के अपना पेपर करिएगा और अच्छे नंबर लेकर जरूर पास होंगे, उसका आप टेंशन लेना भूल जाइए। अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिए और फल तो जरूर अच्छा मिलेगा ही मिलेगा फिर। और मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, चाहे वो मेरे यूट्यूब से जुड़े हैं, चाहे वो मेरे से एफबी पे जुड़े हैं, चाहे मेरे से वो क्लास से जुड़े हैं, फेस टू फेस जुड़े हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक चीज मैं आप सभी से चाहती हूँ कि जब भी आप पेपर देकर आए तो मुझे जहां से भी आप जुड़े हैं मेरे से, वहां पर मुझे जरूर रिप्लाई करिए कि कैसा आपका पेपर गया। मैं आप सभी के कमेंट्स का, मैसेजेस का वेट करूंगी और मुझे बहुत खुशी होगी जब आप मुझे यहाँ पे आके ये कहेंगे अच्छा गया है। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट से भी आप पूछ सकते हैं, जहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं आप मेरे से वहाँ से पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का, सभी आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ पे आज का सेशन खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और सभी आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिला होगा। अगर नहीं मिला है और अभी आप मेरे से और किसी तरीके की मेरे से हेल्प चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँ। तो आज का यही सेशन खत्म करती हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। अगर आप इसी से रिलेटेड, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड और वीडियोस और अपडेट्स चाहते हैं तो मंत्रा एजुकेशन हब की आप एफबी फेज पे भी विजिट कर सकते हैं। वहां से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो जल्दी से जाइए, वहां पे भी आप लाइक जरूर करिएगा।